Assalamu alaikum. I am Muhtar Ahmad with the virtual university course MGT501 that is human resource management. And today we are here with our lecture number 14. Let's start our lecture today. Before we start our lecture today's lecture, let me ask you one thing. How are we doing now? Iswakatak to Mary coffee session okay? ऑलमोस्ट थर्टीन तो कंप्लीट हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बात समझ आती है लेकिन उसमें रोल तो दोनों हम दोनों ने प्ले करना है ना आपने भी और मैंने भी तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे कोशिश डजेंट मीन जस्ट कोशिश मीन यस सीरियस कोशिश कि आप पढ़ें सुने दोबारा जाके पढ़ें And if you still have some concern, write to us, ask us, and then move forward. Let's start today. Today, as I said, it is our lecture number 14. So now we are getting close to our main subject. We have established good basis of the basic setup, basic concepts. Now we are, we are moving toward specific area of the सब्जेक्ट तो आगे चलने से पहले एज यूज लेक्चर नंबर थर्टीन द लास्ट लेक्चर हाँ ये भी याद रखिए तो ऐसे भी हो सकता है कि हम दरमियान में से कोई चीज पकड़ के उसको डिस्कस करना शुरू कर दें जस्ट टू सी कि आप कैसा कि आप स्टिल यू कैन रिकॉल दोस्त थिंग करना असल पढ़ना तो असल समझना तो वही है ना कि वन एवर यू डिस्कस दोस्त थिंग

that was about strategic planning, human resource information system and then we tried to what relate the specific human resource information system with the a business information system or for that purpose we call it management information system yeah, usko abbreviate as MIS. एक मैनेजमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया जिसे हम स्वाट एनालिसिस कहते हैं स्वाट एनालिसिस क्या होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर वर्ड एस स्टैंड फॉर दिस इज ऑफ कोर्स। फॉर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ किसकी अगर हम स्वाट एनालिसिस एक पर्सन का कर रहे हैं तो ये उस पर्सन की अपनी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं अगर एक डिपार्टमेंट की कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं इफ आर टॉकिंग अबाउट ए कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ की बात करते हैं एंड ओ स्टैंड फॉर सॉरी उससे पहले डब्ल्यू है एस डब्ल्यू ओ टी स्वॉट डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेसेस अगेन दिस इज इंटरनल थिंग और उसके बाद ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर आपको याद होगा कि आई हैव ऑल्सो ट्राई टू रिलेट दिस कंसेप्ट विदमेंट ओवर ऑल एनवायरमेंट जैसे एनवायरमेंट को हम स्टडी करते हैं तो उसमें एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट कहते हैं या माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट कहते हैं वॉट अगर स्वाट को भी देखा जाए तो वी आर ऑल्सो टॉकिंग द सेम थिंग अब स्ट्रेंथ और वीकनेस इज द इंटरनल पार्ट द माइक्रो फैक्टर एंड अपॉर्चुनिटी एंड थे दिनमेंट फॉट आर द माइक्रो फैक्टर तो हम यह कह सकते हैं कि वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इट इज द्लीट एनवायरमेंट स्कैनिंग जिसको कहते हैं तो इस बेस पर फिर हमने वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट देखा एंड देन आई शोड यू दिस Cartoon type of thing there, where two persons sitting, they are selling information. Now, the information what you want they can cost you $500. Informations are very important always, especially for the manager. Any person who is, who has to make a decision, the more information he or she can have, the better option he can have for the decision making. तो इंफॉर्मेशन का तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दुनिया भरी हुई है तो क्या क्या देखेंगे क्या क्या सुनेंगे इसके बजाय अगर कोई सिस्टम ऐसा बन जाए जिसमें आपकी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाए डोंट यू थिंक इट विल बी गुड फिर हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझा Your system care, this, this system comprises of people, the equipment, the technologies where they gather information, they manipulate those information, use those information, and then after analyzing, give those information to those people who make the decision and they are the managers. What, whatever level it, it, we are talking about, management information system, the top executive, the managers, the line manager, the decision maker. if we are talking about the human resource information system, of course it is then the human resource manager. even if we are talking about the accounting information or financial information system, then it is the finance manager who needs those information to make the decision. of course, all those basic components, different information system, they combine together. टू फॉर्म ए बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम और अल्टीमेटली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और जहां भी जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं वहाँ पे help है वहां पर हेल्प करती हैं और इसका फायदा क्या है देनिफिट है इज द स्पीड एक्सी एंड अना देंस इट इज एफिशेंट एंड अफेक्टिव और कन्वीनियंट भी है दैट इज वाई यू आर विलिंग टू पे

सिस्टम बनाने में कंपनसेशन ले लें ट्रेनिंग डेवलपमेंट ले लें एनी मेजर फंक्शन जो बेसिक पांच जो एच आर के बेसिक फंक्शन हैं और इवन द स्पेसिफिक डिटेल जो आपने बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये अपना फंक्शन प्ले करता है सिस्टम और आपको हेल्प करता है एज अ मैनेजर टू मेक द डिसीजन सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर राइट लेट्स मूव टू टू टॉपिक एंड दैट इज वाट

इसका रीजन क्या है वाई डू वॉन्ट टू डू दैट ब्रॉडर स्पेक्टर में देखा जाए तो इससे आपको मेजर ड्यूटीज और एक्टिविटीज जो रिक्वायर्ड होती हैं एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए वो मिल जाती है उसका अंदाजा हो जाता है एंड वो कंडीशन जिसके अंदर वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर वो काम हो सकता है दैट यू कैन फिगर आउट थ्रू दिस जॉब एनालिसिस वट इज अ जॉब आई द वे इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी और चंद टर्मोनोलॉजी को देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड जो होती है वर्क वट इज वर्क वट इज टास्क वट इज कैरियर ये सारी चीजें थोड़ा सा हम बुकेश डेफिनेशन है लेकिन उनको देखते जाते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपके लिए वट इज एक डेफिनेशन एक लिखी हुई यहां पर एफर्ट्स डायरेक्टेड टू वर्ड प्रोड्यूसिंग आर एक्म्प्लिशिंग रिजल्ट आई स्टिल रिकॉल हम जब आपकी एज के थे तो फिजिक्स वगैरह में वर्क की डेफिनेशन करते थे कि यू अप्लाई फोर्स तो उस उस फोर्स के तहत कुछ एक्शन हुआ हरकत हुई तो हम कहते हैं काम हुआ तो वर्क बेसिकली वही हुआ कि अगर एफर्ट्स डायरेक्टेड टू प्रोड्यूसर आर एक्प्लिशिंग सम रिजल्ट विल से इट इज ए वर्क लेकिन उसको जरूरी है कि उसके बदले में कुछ काम हो कुछ हरकत हो कुछ रिजल्ट ओरिएटेड हो तो फिर हम कहेंगे यह काम है टास्क किसको कहते हैं डिस्टिंग आइडेंटिफाइबल वर्क एक्टिविटी कंपोज ऑफ मोशन उसी से रिलेटेड है सिमिलरली ड्यूटी ये भी लफ्स बार बार आएगा आपके आई थॉट डोंट आई जस्ट पुट सम बेसिक डेफिनेशन हेयर एक तो आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा दूसरा आपकी समझ भी शायद चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए तो ड्यूटी क्या चीज हुई ए लार्जर वर्क सेगमेंट जिसे कहना चाहिए कंपोज ऑफ सेवरल टास्क जिसके अंदर बहुत सारे टास्क इकट्ठे हो जाते हैं आपने ये पर्टिकुलर ड्यूटी परफॉर्म करनी है आप उसके अंदर मुख्तलिफ टास्क हो सकते हैं और जो एक पर्सन के लिए अमूमन होता है कि आपकी ड्यूटी है मेरी ड्यूटी है ए बी सी की ड्यूटी है तो उसने यह करना है तो उसकी ड्यूटी के अंदर मुख्तलिफ टास्क इकट्ठे हो जाते हैं जो एक पर्सन ने परफॉर्म करने होते हैं वट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लीगेशन टू परफॉर्म सर्टन टास्क एंड ड्यूटीज सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लीगेशन टू परफॉर्म सडन टास्क एंड डिफ्टीज सो वॉट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टूडेंट येस आपने मेहनत करनी है अपने लेक्चर सुनने अपने एक्सरसाइज करनी है डिफरेंट टास्क जो कंप्राइज करते हैं डिफ्टी को परफॉर्म करने दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंस्ट्रक्टर i have to prepare lecture i have to prepare slides i have to provide you notes i have to answer your queries so i'm also having certain set of tasks to be a to fulfill the responsibility right so this is another term position set of tasks and duties performed by single individual this position pay up hand

क्यूपेशन जर्नरल क्लास ऑफ जॉब्स अब मैं एज ए टीचर मेरा मैं किस प्रोफेशन में हूँ टीचिंग में हूं मैं इंस्ट्रक्टर भी हो सकता हूँ मैं ग्रेडर भी हो सकता हूं मैं कोर्स डिजाइनर भी हो सकता हूँ तो मुख्तलिफ किस्म के जॉब्स मुझे परफॉर्म करना मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता हूँ किसी एकडेमिक इंस्टीट्यूशन का सो दैट इज योर ऑक्युपेशन देन इज कैरियर व्हाट इज अ कैरियर सीक्वेंस ऑफ जॉब्स हेल्प बाय एन इंडिविजुअल थ्रू आउट लाइफ टाइम इस कैरियर कहते हैं कि किस तरह आपने जैसे हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटीज के अंदर वो स्टार्ट विथ Junior lecturer, lecturer, then you go to assistant professor, associate professor, professor, and so on. So that is the career. What is then job description? A written statement which describes the activities performed by individual that include about equipment even used for that particular job or Kis working condition. Ki कि एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए उसकी जो असाइनमेंट है उसने क्या क्या करना है उसके अंदर किस कंडीशन में करना है और कैसे करना है दैट इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन नाउ दीज आर न्यू टर्म्स फॉर यू जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन इनको हम अगले चंद आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे आज सिर्फ थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आप समझ लें तो आगे जाके फिर हम इवन विल डू सम माइट वी माइट डू सम प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन आई लास्ट यू टू डू दैट तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हुआ क्या आप डिस्क्राइब करते हो कि इसने क्या क्या करना है कैसे करना है किस कंडीशन के अंदर करना है उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन एज इसके अंदर देखा जाता है कि उसकी जिसने ये जॉब परफॉर्म करनी है उसके अंदर क्या एबिलिटीज होनी चाहिए नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन विल भी परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉब के एस ए उसको एब्रीवेट करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से के स्टैंड फॉर नॉलेज एस फॉर स्किल्स एंड ए फर एबिलिटीज और उसके अलावा अदर फिजिकल कंडीशन जिसको कहते हैं लड़स ही आप कहते हैं कि एटलीस्ट इतनी हाइट होनी चाहिए रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर जॉब के लिए आई साइड इस तरह की होनी चाहिए ये रिक्वायरमेंट है तो दैट इज योर जॉब स्पेसिफिकेशन इसको भी इंशाल्लाह जैसे मैंने आपसे कहा कि ये दोनों नई चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर सो ये चंद डेफिनेशन थी जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यूज होती है विद जॉब और जॉब एनालिसिस उनको आपके साथ मैंने शेयर किया तो जॉब क्या चीज़ है अगेन Grouping of tasks, duties or responsibility that constitute the total work assignments for employees. That is the job. Over simple form. A job is a set of closely related activities carried out for pay. So now I believe this term job is clear to you, right? Let's move forward. तो व्हाट इज जॉब एनालिसिस शुरू में हमने एक सिंपलस फॉर्म देखी थी जॉब एनालिसिस इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेकिंग जजमेंट्स अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब ए सिस्टमैटिक स्टडी अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन मेकिंग जजमेंट

You have to identify what particular task he or she has to perform when you are creating a job, when you are deciding a job, right? Then you have also identified the basic key essay, knowledge, skill, and abilities okay, required to perform that particular job. अब ये नहीं हो सकता कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम्पल देखिए प्रोग्रामर की अब प्रोग्रामर को कुछ टूल्स उसके तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे करनी उसको कोई लैंग्वेज टूल आ, आना चाहिए सी में करना है जावा में करना है किसी और चीज में कि उसने प्रोग्रामिंग करनी है उसके अंदर एबिलिटीज भी होनी चाहिए अब स्किल कैसे आती है थ एक्सपीरियंस विथ प्रैक्टिस तीनों चीजें एक पर्टिकुलर जॉब के लिए वो भी आइडेंटिफाई आपने करनी है बट इट शुड मैच विद पर्टिकुलर टास्क ही टू परफॉर्म अब एक गाड़ी का मैकेनिक तो बहुत अच्छा उसको उसके पास नॉलेज भी है स्किल भी एबिलिटी भी है लेकिन वो मैकेनिकल पार्ट के लिए नॉट नेसेसरी के वो एक अच्छा प्रोग्रामर भी हो सिमिलरली एक प्रोग्रामर है उसको बड़ी अच्छी लैंग्वेज आती है अच्छे प्रोग्राम लिख लेता है इंटीग्रेट भी कर लेता है उसको तो सारे स्टेप्स उसको पता है जो उसने पढ़े हैं क्लासों में सीखे हैं बट नॉट कि ही शी शुड बी एबल टू फिक्स योर टीवी वी आर वी तो फिर वो देखनी एबिलिटीज वो नॉलेज देखनी है वो स्किल देखनी है जो रिलेट करे उस पर्टिकुलर जॉब या टास्क या ड्यूटी जो उसने परफॉर्म करनी है एंड रीजंस व्हाई वी वांट टू कंडक्ट जॉब एनालिसिस फॉर स्टाफिंग पर्पस, बिकॉज वी हैव टू गो एंड हायर पीपल अनलेस आई नो व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन डू आई हैव व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स I have to perform. I have to get it performed by from others. How can I get good person or the right person for the right job? Similarly, training development के लिए जब मुझे उस position का उस job का पता है तो फिर जिसको मैंने उसके लिए रखा है उसकी training development उसी area के अंदर करवानी है ना अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि लेट्स अगेन गिव द एग्जांपल आप प्रोग्रामर कि मैं उसको स्पेस पे जाने के लिए ट्रेनिंग दू बिकॉज़ इट हैज टू डू नथिंग विद हिज जॉब देन कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स अगर प्रॉपर जॉब इन आप देखेंगे एट द एंड ऑफ टुडे'स लेक्चर कि आउटकम क्या निकलता है जॉब एनालिसिस का उसमें एक जॉब वैल्यूएशन भी कहते हैं हम उसकी वर्थ इस काम की वर्थ क्या है तो जॉब एनालिसिस आपको इसलिए भी करते हैं कि आप उसकी वर्थ देखना चाहते हैं कि इसको कंपनसेट कैसे करना है इस पर्टिकुलर जॉब जो परफॉर्म कर रहा है उसको बेस्ड ऑन वट एवर टास्क यू और शी इज परफॉर्मिंग किस क्वालिफिकेशन किस स्किल किस नॉलेज के साथ है ये सारी चीज़ें विल गाइड यू टू डिसाइड दी कंपनसेशन ये भी रीजन है कि आपने कंपनसेशन के लिए भी जॉब एनालिसिस करानी सो एनी अदर रीजन कैन यू थिंक सम वन रीजन इसकी वजह से हम जॉब एनालिसिस करते हो अब तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए अब आप कहेंगे इसका क्या तल्लक है यस आप देखते हैं जब जॉब आप किसी को देखते हैं तो उसको किस कंडीशन के अंदर काम कर रहे हैं और उस कंडीशन के मुताबिक उस एनवायरमेंट के मुताबिक यू माइट हैव टू डिसाइड स्पेशल सेफ्टी प्रोसीजर्स देयर यू हैव टू अप्लाई देयर कोई ऐसी केमिकल के साथ काम कर का रहे हैं जहाँ से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हो सकता है कोई बाकी डिजीज हो सकती हैं उसके लिए भी आपने आपको ये हेल्प करेगा कि यस आई हैव टू क्रिएट सच एंड सच जॉब बट सिंस इट रिक्वायर्ड सर्टन सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट्स सो दैट विल हेल्प यू देयर तो यहाँ भी ये भी एक रीज़न हो सकता है वट काइंड ऑफ एम्प्लाईज एंड लेबर रिलेशनशिप विल भी देयर हालांकि में किस तरह फिक्स हो गए वहां पर यह पर्टिकुलर जॉब में जो परफॉर्म रहा होगा वो रिस्पॉन्सिबल किसको होगा द सोशल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी आपको हेल्प करता है ये जॉब एनालिसिस सिमिलरली लीगल कंसिडरेशन यू डोंट वांट टू एंड अप विद ए लीगल प्रॉब्लम सो विद प्रॉपर एनालिसिस एंड देन डिसाइडिंग अकॉर्डिंगली यू बी आल्सो रिस्पॉन्डिंग टू द लीगल इश्यूज तो जनाब क्या पढ़ रहे हैं हम सो तो नहीं गए आप कमान जॉब एनालिसिस के रीजन पढ़ रहे हैं जी हाँ उठिए दोबारा शुरू करते हैं लेट्स वॉट इज नेक्स्ट देन टाइप्स आप जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन वही उसी से वही चीज जो भी कही है उसको थोड़ी सी और शक्ल में ताकि चीजें आपको क्लियर हो ठीक है पहले पढ़ा हो वरना नींद आएगी तो पहले पढ़ा हो तो कुछ कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं और साथ यहां से फिर आइडिया लेके आप उसको बड़ा क्लियर करते हैं पानी पी लीजिए ठंडा है अच्छा होता है लेट स्टार्ट वर्क एक्टिविटीज जो हैं वो आप देखते हैं उसको इकट्ठा करते हैं इंफॉर्मेशन और फिर उन वर्क जो ओरिएटेड वर्कर ओरिएटेड जो जो वर्कर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसको भी आप देखते हैं एंड क्या क्या मशीन्स टूल्स उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट्स हैं क्या हेल्प चाहिए उनको कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो वर्क सही अच्छा परफॉर्म हो सके वो जॉब अच्छी तरह परफॉर्म हो सके तो इसके लिए भी एनालिसिस जो है, है जॉब एनालिसिस आपको हेल्प करता है देन समाइम्स देर आर सम टेंजेबल एंड समाइम इनटेंजेबल थिंग्स विच आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब अब टेंजेबल और इनटेंजेबल लफ्स तो बड़े आसान से है ना डिक्शनरी भी पास होनी चाहिए टेंजेबल जिसको आप फील कर सकते हैं छू सकते हैं देख सकते हैं इन जो आप फील कर सकते हैं इन सच के उसको आप इस तरह छू के नहीं देखा जा सकता रियलिटी में नहीं होता इस तरह तो इस तरह की जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज मोटिवेशनल फैक्टर है इन्वायरमेंट है फिर इक्विपमेंट है टेंजेबल ये लैपटॉप पड़ा हुआ है दिस इज ए टेंजेबल थिंग ये भी जॉब एनालिसिस आपको हेल्प करती है परफॉर्मेंस किस तरह उसको देखेंगे किफ ए पर्टिकुलर जॉब इज बिन परफॉर्म प्रॉपरली या ना वो भी जॉब एनालिस से ही आपको हेल्प मिलेगी कि डिसाइड द परफॉर्मेंस इंडिकेटर वेदर ए पर्सन इज परफॉर्मिंग वेन यू विल स्टार्ट दैट जॉब और दैट जॉब इज बिंग डन एट योर प्लेस हाउ केन यू मेक श्योर कि वो ठीक तरह हुई है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी वो उसी प्रोसेस के अंदर जब जॉब एनालिसिस आपने किया था तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि वो कौन से इंडिकेटर्स होंगे वो कौन सी परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं दैट विल हेल्प यू टू फिगर आउट कि जॉब ठीक अच्छे तरीके से परफॉर्म हुई है जॉब के कंटेंट क्या हैं और जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस जॉब की वो क्या क्या होनी चाहिए सो दि ऑल दीज इंफॉर्मेशन यू आर कुलेक्टिंग दे विल हेल्प यू इन फ्यूचर इफ यू आर क्रिएटिंग न्यू जॉब आर इट विल हेल्प यू इफ यू आर चेंजिंग प्रेजेंट जॉब इवन सो देर आर सर्टन क्वेश्चन एनी जॉब एनालिसिस शुड बी आंसरिंग किसी ने भी जॉब एनालिसिस करवाई किसी भी जॉब के बारे में सटन बेसिक क्वेश्चन डेट एनालिसिस शुड आर बेसिक फिजिकल एंड मेंटल टास्क डज वर्कर एक्म्पलिश उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या फिजिकल और मेंटल टास्क एक्टिविटीज जो हैं वो वर्कर को करनी पड़ेंगी या करता है अगर वो ऑलरेडी जॉब कहीं पे हो रही है आपके पास कहीं और भी वेन डज द जॉब हैव टू बी कंप्लीटेड को टाइम फ्रेम भी होना चाहिए ना उसके लिए तो ये भी वो रिप्लाई करेगा वो एनालिसिस वो डाटा वो जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एंड वेयर इज द जॉब टू बी कम्प्लिश किस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर किस पर्टिकुलर सर कम के अंदर वो पर्टिकुलर जॉब जो है वो अकम्पलिश करनी जा, की जाएगी या करनी की जाती है हाउ डज द वर्कर डू द जॉब आपने सीडी को सीडी ड्राइव के अंदर कैसे उसको इंसर्ट करना है ये भी तो एक टास्क है किस तरह कंप्यूटर को ऑन करना है मिलरलीफ यू थिंक ऑफ दो एट द लार्जस्ट स्केल किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर किसी बड़े इक्विपमेंट के ऊपर इवन समाइम लाइक स्पेशलाइज्ड किस्म के जो टास्क होते हैं जॉब्स होती हैं है, जहाज जहाज उड़ाना है किसी ने पायलट ने सबने सीखा उनको पता होता है इतनी ट्रेनिंग ली होती है बट स्टिल दे हैवे चेक लिस्ट के सबसे पहले इस बटन को ऑन करना है फिर ये मीटर चेक करना है फिर टेंपरेचर चेक करना है फिर आपकी मुख्तलिफ गेजेस जो है मुख्य डिजिटल आजकल आ हैं सारा कुछ वहां पे आप देखेंगे तो देन हाउ यू गो विदेप बाई स्टेप वो किसी ने जॉब एनालिसिस किया होगा तभी ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके पास नेक्स्ट दिस जॉब पर्टिकुलर जॉब इज डन इसका रिलेशनशिप बाकियों के साथ क्या है बिकॉज नो न ऑफ दीजॉब आर आइसोलेटेड जॉब्स हर जॉब जो है वो किसी ना किसी बाकी जॉब जो बाकी जॉब्स हो रही हैं बाकी एक्टिविटीज हो रही है हो रही, उनके साथ लिंक है तो वो लिंकेज को भी समझना है एंड वट क्वालिफिकेशन वट स्किल्स वही नॉलेज स्किल्स एबिलिटी चाहिए इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये क्वेश्चन भी आंसर होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक इज जॉब एनालिसिस डिसंस ऐसे मैनेजर यू हैव टू मेक सर्टन डिसीजन वट आर दोस्ट वट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी कुलेक्टेड थोड़ा सा आप नैरोन तो करेंगे चीजों को वैसे तो नहीं उठा कि चले जाना कि चले नहीं, आप इस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं यस yes, हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में मुख्तु तो टेक्निक्स पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस की उसमें एक ऑब्जर्वेशन भी है कि यू गो एंड जस्ट वॉच हाउ पीपल आर परफॉर्मिंग जॉब दैट इज ऑफकोर्स वन टेक्निक बट स्टिल यू मस्ट है कि वट इज द लिमिटेशन वट आर द बाउंड्रीज इनके अंदर रह के हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है सो फर्स्ट डिस्ट वट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी कुलेक्टेड नंबर टू हाउ विल द इंफॉर्मेशन बी कुलेक्टेड जैसे मैंने आपसे कहा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब अनालिसिस टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं और जैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ेंगे आप डायरी सिस्टम यूज़ करते हैं आप ऑब्जर्वेशन सिस्टम यूज़ करते हैं आप क्वेश्चनियर सिस्टम यूज़ करते हैं आप मुख्तलिफ जो लोग हैं उसमें आलरेडी काम कर रहे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नीस यू कैन यूज़ टू गो फॉर जॉब अनालिसिस

नाव ही अर्शी हैजू फिगर आउट कि मुझे किस किस्म के काम यहां होने होंगे लेट सी आप एक इंस्टीट्यूशन लॉन्च करते हैं एक हॉस्पिटल बनाते हैं तो आपको लॉजिकली क्या हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर तो नहीं चाहिए ना और भी काफी लोग चाहिए आपको ऐसे लोग भी चाहिए जो रिकॉर्ड कीपिंग करें आपके लिए आपको ऐसे लोग भी चाहिए जो ऑपरेशन थिएटर में आपको हेल्प करें आपने ये जाप भी वहां पर एक टास्क इस तरह की होना है कि कोई लाइट जो आपकी मेंटेनेंस का ख्याल करेगा देर आर समास्क जॉब लाइक फोन ऑपरेटर भी होगा रिसेप्शन पे किसी को रखना है आपने लोगों को क्वेरीज है उनको आंसर करना है सो मेनी डिफरेंट टास्क यू कैन इमेजिन यू कैन हैव ऑल दो इंफॉर्मेशन बिफोर टाइम तो टेक्निकली जब आप एनालिसिस करेंगे एक तो उस वक्त करेंगे जब आपने नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई अपनी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होने लगी सो दैट इज़ अ टाइम पीपल हैज़ टू डू जॉब एनालिसिस दैट्स इट नो व्हेन न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड एग्जिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इवन आप उस वक्त भी जॉब एनालिसिस करते हैं जब कोई नई जॉब्स क्रिएट होती हैं उसी प्रोफेशन के अंदर भी और इवन इफ यूर चेंजिंग इफ यू आर ब्रिंगिंग समथिंग न्यू स्टिल यू हैव टू गो फॉर जॉब एनालिसिस व्हाट एल्स या ये भी और जैसे हम बड़ी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है चेंज इज कमिंग विद वेरी फास्ट स्पीड तो चेंज के साथ साथ आपको भी एडजस्ट होना है आपके इंस्टीट्यूशन को भी एडजस्ट होना है आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी एडजस्ट होना है बार बार मैं यूज करता हूं कि चेंज एज एनवायरमेंट चेंज अदरवाइज यू आर फिनिश इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव इफ यू आर नॉट स्मार्ट इनफ सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन यू विल बिकम हिस्ट्री एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन अदर कंपिटेटर विल टेक अवर दे विल बी द लीडिंग इन द मार्केट सो उसके लिए आपको भी काफी अलर्ट रहना पड़ता है तो फिर उस मौके पर भी ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जब जॉब्स चेंज हो रही हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है मैथड प्रोसीजर चेंज हो रहे हैं है, तो अगेन यू हैव टू गो फॉर जॉब अनालिसिस टू मेक द एडजस्टमेंट टू डिसाइड न्यू प्रोसीजर्स टू डिसाइड न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन टू डिसाइड न्यू जॉब स्पेसिफिकेशन एंड सो ऑन शुरू में हमने जब ये आज लेक्चर शुरू किया था तो एक दो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हम जॉब एनालिसिस क्यों करना चाहते हैं थोड़ा सा उसको आप इतना चीज़ें समझने के बाद इतना चीजें डिस्कस करने के बाद लेट्स गो एंड लेट बन इन डिटेल एंड सी वे आर वी कैन यूज जॉब एनालिसिस

प्रॉपर एंड राइट सिलेक्शन प्रोसेस जब तक आपको पता ही नहीं है कि जॉब क्या है कैसे करनी है उसके लिए क्या स्किल्स एबिलिटीज और नॉलेज चाहिए किस इन्वायरमेंट में होनी है हाउ कैन यू डू द राइट सिलेक्शन सो दिस विल हेल्प हेल्प यू फॉर द सलेक्शन प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स में जॉब एनालिसिस आपको एच आर डिवेलपमेंट में भी हेल्प करती है वेन वी आर डिसाइडिंग अबाउट द डिवेलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिवेल्पमेंट इन ऑर्गनाइशन दैट जॉब एनालिसिस ऑल्सो हेल्प अस विल हेल्प एस टू प्रोसीड फॉर दैट ना सिर्फ ये बल्कि इवन जॉब एनालिसिस जॉब परफॉर्मेंस जो आपकी है या परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसको कहते हैं वो भी उस वक्त तक आप प्रॉपरली नहीं कर सकते जब तक आपने जॉब एनालिसिस अच्छी तरह ना किया हो जिसमें आपको पता ना हो परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करते हैं आप यू वॉन्ट टू सी कि वेदर ए पर्सन इज परफॉर्मिंग राइट और नॉट मैंने पहले भी एक दफा एक पॉइंट को डिस्कस किया है अफकोर्स दिस परफॉर्मेंस अप्राइजल इज ए सेपरेट सब्जेक्ट विल बी डिस्कसिंग इन लेटर ऑन लेटेस्ट लेक्चर्स लेकिन इसका मकसद दो फोल्ड होता है एक अवेलुएशन एक डिवेलपमेंटल अवेलुएशन आर प्रेजेंट सिस्टम कहते हैं आप देखते हो कि इसने काम कैसा किया किसी भी एक पर्सन को ह्यूमन रिसोर्स को आप जब उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजर करते हो और वो कब होगी जब आपके पास बेस लाइन को ही हो किससे कंपेयर करेंगे उसको और बेस लाइन कैसे डिसाइड हुई जब आपने परफॉर्मेंस अप्रेजर के लिए या पहले जो जॉब एनालिसिस किया उस पर आपके पास वो क्राइटेरिया सारा था उसी बेस पर आपने उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजर करनी है तो दिस जॉब एनालिसिस आल्सो हेल्पिंग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू गो फॉर दिस परफॉर्मेंस अप्रेजर द मेजर एक्टिविटी They are doing in the organization. Similarly, the compensation and benefit. This job analysis will also form a basis for you to compensate or decide about the benefits of the worker who is performing that particular job. Health and safety, we have already discussed. Similarly, implies labor relationships, HR research. For all those HR related activities, this job analysis will provide or give you the basis. टू गो फॉर दोज एक्टिविटीज तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये बेसिक स्टेप है बेसिक पॉइंट है जहाँ से आपका ये सारा बिल्ड होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस तो थिंग्स आर गेटिंग क्लियर राइट इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब अनालसिसिस अभी हमने सारी डिस्कस की वही इसकी इंपॉर्टेंस भी है उसी बेस पे यूज यूज है ना इसकी इतनी ज़्यादा इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट भी समझा जाता है लेकिन फिर भी िसिसिस प्रोवाइड यू एज ए मैनेजर ए रियलिस्टिक जॉब इंफॉर्मेशन अबाउट ड्यूटीज वर्किंग कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब ये बार बार वही चीजें क्यों रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि चीजें आपके जहन से क्लियर हो जाए आपके जहन में क्लियर हो जाए से क्लियर होने का मकसद ये नहीं कि आप भूल जाए सो आपने टेक्स्टबुक में भी देखा होगा किसी एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए वो कभी रेफरेंस दे रहा है कभी वो एक केस प्रेजेंट कर रहा है, कभी वो एक सिचुएशन बता रहा है, और व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट कि थिंग्स शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड द रीडर जो पढ़ रहा है या जो समझ रहा है उसको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए वरना फिर आगे जाके वो मल्टीप्लाई होती रहती तो पहला इसकी इंपॉर्टेंस इसकी जो जॉब एनालिसिस की है कि इसकी वजह से आपको रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है किस बारे में उस जॉब के जो परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज चाहिए होंगी काम होगा वर्किंग कंडीशन क्या होंगी और उसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके अलावा इट विल आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवाइजर एंड वो जो लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप हमने पहले भी एक दफा एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वो कैसे स्टेब्लिश होगी ये पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने वाला अब वाली किसको रिस्पॉन्सिबल है एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू हेमर हर में आपस में क्या रिलेशनशिप डेवलप होगी किस किस्म की होगी कि, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है अपने जॉब के लिए और उनको कौन रिस्पॉन्सिबल है ये भी जॉब एनालिसिस से चीजें आपको मिल सकती हैं इट विल हेल्प यू टू डिफाइन ड्यूटीज एंड रिलेटेड टास्क इसके इम्पॉर्टेंस है ना टाइम रिक्वायर टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर ड्यूटीज अब ये तो एनालिसिस लोग करेंगे ना कि इस चीज को बनाने के लिए इतना टाइम लोग यूज़ करें उसको हम बेंच मार्किंग भी कहते हैं कि यू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड तो जब जॉब एनालिसिस किया तो वो बेंच मार्किंग का जो पॉइंट uh, है वो भी उसमें आ गया आपका अंदाज़ा हो गया ये कितने टाइम में पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो सकता है जॉब जो है अकंपलिश हो सकती है एंड अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल गिव यू बेस लाइन टू डिसाइड अबाउट दी ट्रेनिंग कैरियर प्लानिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट ऑफ ए ऑफ योर एंप्लॉइज क्योंकि जब आपने उनकी ड्यूटीज को डिसाइड कर लिया उसकी बेंच मार्क जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो देख लिए तो उसी बेस पे फिर आगे आप यू विल डिसाइड अबाउट ट्रेनिंग ऑफ योर एम्प्लाइज देयर कैरियर पॉथ सो दैट दे शुड मूव टूवर्ड देयर कैरियर डेवलपमेंट सो फॉर दैट पर्पज इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार जो स्ट्रेस देने का मकसद भी ये है कि बुनियाद यहाँ से चलेगी बेस यहाँ से बनेगा आपका सारा ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज का सो इट शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड वही उसकी वर्थ उस जॉब की वर्थ डिसाइड करने में भी आपको ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और प्रोसेस वी कॉल्ड इट जॉब अनालिसिस तो आप उसको हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो डिटर्मन करें कि इस पर्टिकुलर टास्क के या जॉब परफॉर्म के लिए उसकी क्या वर्थ है उसको परफॉर्म करने वाले को क्या सैलरी देनी है क्या वेजेस का डिसाइड करना है दैट इज ऑल्सो important part. So it is also strategically important that you do the job analysis. Kaha pe it is strategically important? Let's give you a situation. As I said so many times that things are changing. So according to that those changes organization has to also adjust themselves. So organization ki strategic. लेट्स सी आर्गेजेशन ने डिसाइड कर लिया कि दे हैव टू चेंज इन देयर स्ट्रेटेजिक दे दे हैव नाट न्यू डायरेक्शन न्यू वीएन, न्यू मिशन न्यू स्ट्रैटेजी और न्यू गोल फॉर दैट पर्पज उस गोल के लिए देन आर्गेनाइजेशन कैन हैव स्ट्रेटेजिक प्लान प्रॉपरली नई जो चेंज आई है उसके लिए चेंजिस इन वे दर्गेनाइजेशन ऑपरेट कैन ऑल्सो भी एक्सपेक्टेड नॉर्मल थिंग अब देखे ना कंप्यूटर आ गए तो पहले टाइप राइटर होते थे ऑर्गेनाइजन के अंदर अब लोगों ने कौन कहां पर यूज कर रहा है आज कल टाइप राइटर कहीं देखते हैं पहले फाइलें मूव होती थी बंच ऑफ फाइल्स पीपल कैरी एन दे गो टू वन ऑफिस फ्रॉम वन ऑफिस टू एन अदर ऑफिस ना यू सिटिंग ऑन योर ऑफिस कंप्यूटर वर्किंग ऑन समू और एजेंडा और टॉपिक और एनी केस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन And if you want to send all those information to somebody of your subordinate or your boss for your advice, comments, you just attach the file and mail it to that particular person. And without any delay, if the system is efficient, the concerned person will read it, give his or her comments, and send you back. सी द सिस्टम इज चेंज सिस्टम इज चेंज नाओ यू आल्सो यू कैन सी द चेंज इन पीपल स्किल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर जॉब अब जिन्होंने फाइल पर कमेंट्स लिखने होने थे जिन्होंने वहां पर अपनी रिकमेंडेशन देनी होनी थी अब उनको कंप्यूटर आना चाहिए अब उनको मेल करना आना चाहिए अब उनको रिसीव करना आना चाहिए अब उनको इवन उनकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि व्हेन यू आर नाउ यू सिटिंग एट योर कंप्यूटर यू हैव यू आर सपोज टू राइट योर सेल्फ अर्लियर यूर सेक्टरी द सेम थिंग फॉर यू सो सी स्ट्रेटेजिकली दिस जॉब एनालिसिस एनालिस इन दिस सिचुएशन चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स किसी वजह से भी चेंज आई आपने भी स्ट्रेटेजिक गोल चेंज कर लिए When strategic goals are changed, so naturally operation operational level, pe, operative levels, pe, can there be changes? Aaghi? Now, if you have a change in the operation level, so it means there is change in the people skills required now. a different 3K adopting the That will result in again different job description and job specification. And how you will you get those things? How you will determine those things? Of course, with job analysis. So this means that job analysis is also very important when we are talking about strategic management. Because they environment environment change. Organization goal change. Working to condition change. काम करने के तरीके चेंज हो गए तो अगेन जॉब एनालिसिस विल हेल्प यू टू डिसाइड अबाउट न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस एनी क्वेश्चन सो फार डू यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क अस अगर क्वेश्चन नहीं है तो उसके तो दो मतलब हुए या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ विच इज़ प्रॉब्लली नॉट गुड इतना अच्छा तो नहीं हो सकता कोई भी ना दूसरा ये हो सकता है आपको समझ ही नहीं आ रही तो बोथ थिंग्स आर बैड अनरियलिस्टिक टू डू आस्क क्वेश्चन राइट टू अस सो दैट थिंग्स शुड बी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग लेकिन खाली क्वेश्चन ही पढ़ेंगे भी खुद के एफर्ट करेंगे तो फिर आगे चलेंगे ट्स मूव स्टेप्स क्या हैं जॉब अनालिसिस के स्टेप नंबर वन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको यह डिसाइड करना है कि कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है दिस इज फर्स्ट स्टेप द इन्फॉर्मेशन यू विल रिव्यू बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू कलेक्ट उसके बाद किस पोजिशन की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल कलेक्ट द डाटा टू एनालाइज द जॉब यू एक्चुअली डू दैट उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन आपने ली उनको किस शक्ल में रिकॉर्ड किया उनको रिव्यू करेंगे और फिर मैनेजर के साथ जो मेन पर्सन है उनके साथ डिस्कस करेंगे एंड देन बेस्ड ऑन दोज इंफॉर्मेशन यू विल डिसाइड अ डिस्क्राइब द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन सो दैट इज़ फॉर जॉब एनालिसिस जॉब एनालिसिस का एक छोटा सा मॉडल आपको दिखाता हूं इसमें देखिए तीन चीजें जॉब कंटेक्सट जॉब कंटेंट और वर्कर रिक्वायरमेंट्स एंड फ्रॉम वेयर फ्रॉम दीज दीज टाइप ऑफ थिंग्स यूल कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड यू विल राइट जॉब स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन जॉब कंटेक्स की बात करते हैं तो किस कंटेक्स में एक असेंबली लाइन के ऊपर काम हो रहा है एक इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है उसके लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है टेबल पड़े हुए हैं ऊपर बॉक्स है एंड कंटेंट क्या जॉब का कि उन बॉक्सेस को असम्बल करना है अब उसको करने के लिए यू नीड स्पेसिफिक नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल टू शेयर विद यू सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड किस तरह जॉब एनालिसिस कभी आप देख के भी सुन के भी इन्फॉर्मेशन ले के भी इस सारी चीज़ों को सेपरेट करके फिर उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के लिए इस सारे प्रोसेस का आउटकम क्या निकलेगा जितनी भी आपने जॉब एनालिसिस की जो भी एक प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली वट शुड बी दी वाट इज़ लॉजिकल आउटकम ऑफ जॉब एनालिसिस वही चीजें इसका आउटकम निकलेगा जॉब डिस्क्रिप्शन यस क्या क्या काम किस तरह करने हैं किस एनवायरमेंट में करने हैं क्या चीजों किस किस इक्विपमेंट में करने हैं उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन वट काइंड ऑफ स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज आर रिक्वायर्ड वट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब एंड

सलिए करते हैं व्हाट इज आउटकम ऑफ जॉब एनालिसिस दैट वॉज अवर टूडे टॉपिक वॉट इज नेक्स्ट एज वी है मुख्य चीजें उनको कवर करेंगे और उसके साथ जो बाकी चीजें रिलेट कर रही है जो डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन इनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे तो विल स्टार्ट इट है टूडे बट Again, must go through your text, must read the notes attached with this virtual university lecture. Work hard, and I can believe that you will make a difference. Thank you, take care, assalamu alaikum.